बच्चों, आज के इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के लेक्चर नंबर 10 में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 का एक पार्ट किया था, विच वाज अबाउट द डिस्क्राइबिंग द स्टोरेज डिवाइसेस। आज जहाँ तक हमने छोड़ा था उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने पीछे मैग्नेटिक टेप्स को देखा था, और फिर इस मैग्नेटिक टेप्स के अंदर मुख्तलिफ हमने डिवाइसेस को कवर किया था, स्टोरेज डिवाइसेस को। आज हम स्टोरिंग डिवाइसेस की दूसरी कैटेगरी में जाते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल अबाउट ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें सबसे जो अहम चीज है वो सीडी रोम है। सीडी रोम की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक ऑडियो कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह काम करती है। ये सीडी रोम है, और ये ऑडियो सिग्नल को या म्यूजिक को स्टोर करने के लिए ये यूज होती है। हम कहते हैं कि अ फेमिलियर ऑडियो कॉम्पैक्ट डिस्क विच इज यूज टू या विच इज वेरी पॉपुलर मीडियम फॉर स्टोरिंग द म्यूजिक। कंप्यूटर की दुनिया में हम इसको कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, जो सेम टेक्नोलॉजी यूज जिसमें सेम टेक्नोलॉजी यूज होती है, जो सिंपल एक आपकी सीडीज में सीडी म्यूजिक सीडीज में यूज होती है, अगर हम इसको इसके अंदर डाटा को रीड करना चाहें। अगर हमारे कंप्यूटर में सीडी रोम की ड्राइव है, साथ एक साउंड कार्ड है, स्पीकर्स हैं, तो हम किसी भी ऑडियो सीडी को यूज करते हुए अपने पीसी के अंदर हम सॉन्ग सुन सकते हैं। बेसिकली जो सीडी रोम होता है ये आपकी डिजिटल डाटा को रीड करता है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डाटा जो है वो डाटा ऑडियो का है या सिंपल आपका डाटा है, वो एक डिजिटल डाटा को रीड करता है। और ये डिजिटल डाटा किस तरह की, इस सीडी रोम के अंदर आपकी एक डिस्क जो है वो स्पेन कर रही होती है, एक स्पेनिंग डिस्क होती है, जिसके ऊपर एक जो फोकस होता है वो एक लेजर का होता है। तो लेजर, अब यहाँ पे पिछली जो मैग्नेटिक टेप्स की जो स्टोरेज डिवाइसेस थी उसमें क्या चीज थी, उसमें जो हेड था और वो एज एक मैग्नेटिक एक करंट उसी से फ्लो होता था, वो एक डेटा को रीड या राइट कर सकता था। अब ऑप्टिकल डिस्क में अब आ गया लेजर, जिसका जो फोकस होता है वो डिस्क के ऊपर होता है, डिस्क की सरफेस के ऊपर होता है। डिस्क की कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिससे जो लेजर की जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, उस लेजर के साथ एक सेंसर लगा होता है उसके अंदर, यानी जो ही वो जो लेजर होता है वो उस सरफेस के ऊपर पड़ता है, उससे जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होके सेंसर के ऊपर पड़ती है, और सेंसर उसे डेटा रीड करता है। और एक ऐसी सर्विस होती है जिससे जो सर लेजर होती है वो स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है। अब ऐसी एरिया जहां से जो डाटा रिफ्लेक्ट होकर सेंसर की तरफ जाता है, हम उसको कहते हैं कि वो एक एज अ इंटरप्ट किया जाता है, कि वो एक वन है, वन बाइनरी नंबर है। और एक ऐसा एरिया जहां से जो डाटा जो लाइट है वो लेजर की जो लाइट है वो स्कैटर हो जाती है, हम उसको कहते हैं कि वो एक ऐसा एरिया है जहां से जो नंबर आया है, जो इंटरप्ट हुआ है, वो है जीरो। अब जो डेटा होता है सीडी रोम से, वो एक स्पाइरल काउंटिंग स्पाइरल की तरह ये हमारे पास सेंसर के ऊपर रीड करता है। हम कहते हैं कि जो डेटा होता है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, कि या तो डेटा लैंड करेगा या तो डेटा जो है वो पिट करेगा। लैंड करेगा को एक एक सरफेस होती है, उसमें आपको तस्वीर भी दिखाता हूँ, एक फिगर भी दिखाता हूँ। डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लैंड्स
which are flat area on the metal surface, and pits, which are the depressions or hollows. अब वो फिगर है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. ये देख, इसमें ये जो फिगर आपको नजर आ रही है, ये रोटेशन ऑफ द डिस्क, ये रोटेशन जो डिस्क है वो डिस्क. अब ये देखें, ये दो सर्विस हैं, एक आपकी ये लैंड सर्विस है और ये आपकी एक आपकी डिप्रेशन या हॉलो सर्विस है जो बाहर निकली हुई. जब लेजर, ये एक लेजर है, ये लेजर इस प्रिज्म को यूज करती है एज अ रिफ्लेक्शन, इस प्रिज्म को यूज करती है. इसके अंदर जब लाइट एक लेजर गुजरती है वो लैंड पे पड़ती है, तो उससे जो डेटा रिफ्लेक्ट होकर सेंसर के ऊपर जाता है, तो उसको एज अ वन कंसीडर करता है. जब लेजर किसी होलो पे पड़ती है तो उससे वो जीरो कंसीडर करता है, प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होकर सेंसर की तरफ जाता है. ये चीज मैं आपको बता रहा था कि दैट इज लेड आउट ऑन सीडी रोम डिस्क in a long continuous spiral, data stored in the form of lines, which are flat areas, a flat head on the metal surface, and pits, which are depression on the hollows. A LAN reflects the laser light into sensor indicating the data is one, and pits catches the light indicating a data bit is zero. A standard compact disk stores 650 MB of data or about 70 minutes of audio. जो एक standard आपकी CD, एक compact CD जो ROM की बात करते हैं, तो उसमें 650 MB का data store होता है, या हम कहते हैं कि 70 minutes की आपकी audio उसमें store होती है. New generation of compact disk, however, can hold 700 MB of data or 80 MB minutes of audio. हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी रोम्स ड्राइव आर सो. वजह क्या है? वन रीजन हैज टू डू विद द चेंजिंग रोटेशन स्पीड ऑफ द डिस्क. लाइक अ ट्रैक ऑन द मैग्नेटिक डिस्क, द ट्रैक ऑफ द ऑप्टिकल डिस्क इज स्प्लिट इन सेक्टर्स. हाउएवर द सेक्टर्स आर लेड आउट ऑफ डिफरेंट देन द मैग्नेटिक डिस्क. अब उसकी अगर फिगर भी देख लेते हैं, ये बेसिकली इसके सेक्टर्स में और हार्ड डिस्क के सेक्टर में क्या फर्क है, ये देखें. ये मैग्नेटिक एक डिस्क है, ये फ्लॉपी की भी हो सकती है, हार्ड डिस्क की भी हो सकती है, और ये आपकी सीडी रोम की. इसमें सेक्टर्स होते हैं, इसमें सेक्टर्स दूसरी तरह ड्रा होते हैं, इसीलिए ये इसकी स्लो है. ठीक है, ये चीज इस स्लाइड्स में भी है कि मोस्ट सॉफ्टवेयर चिप्स ऑन अ सीडी रीड यूजिंग अ लेजर लैंड स्पेड्स written from the inside out. CD speed is based on the original CD reads 150 KBs. A 10X will read 1500 KBs. A standard CD holds 650 MB data. CD ROM, DVD ROM. As compared to CD ROM, DVD ROM thoda sa zyada acha hai. DVD ROM ki agar hum baat karte hain ki आजकल जो नए पीसीज जो उनसे हैं, उसमें बिल्ट इन आपकी डीवीडी रोम मौजूद है. ये रीड ओनली मेमोरी कहलाते हैं, डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसको कहलाते हैं. मतलब जो नए जो से आपकी जो पीसी हैं, उसमें सीडी रोम की जगह पे डीवीडी आपके रोम बने हुए हैं. इसकी जो डेंसिटी होती है वो एज कम्पेयर टू सीडी रोम की ज्यादा है. एक फुल, उसमें तो ऑडियो मूवी होती, ऑडियो आपके सॉन्ग होते थे. डीवीडी में आपकी फुल लेंथ की आपकी पूरी मूवी आपकी स्टोर में हो सकती है. डीवीडीज हैं, इन दोनों साइड से आपको डाटा रीड या राइट हो सकता है. 18 GB तक इसकी कैपेसिटी हो सकती है. और जो डीवीडी प्लेयर्स हैं, ये आपकी सिंपल आपकी डीवीडीज को भी रीड कर सकता है. रिकॉर्डेबल ऐसे भी सिस्टम है जिसमें हम कहते हैं कि हम सीडी को बर्न कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं.
तो हम कहते हैं कि वो सीडी रिकॉर्डेबल है, सीडी वो जो से ड्राइव है वो रिकॉर्डेबल है। क्लियर डाटा ऑन ऑडियो सीडी डाटा कैन नॉट बी चेंज, यानी एक दफा अगर आप सीडी पे कोई डाटा लिख देते हो उसको आप कहीं भी चेंज नहीं कर सकते हो। और इसमें हम चीजें को ऐड कर सकते हैं। रिकेटेबल सीडीज हम सीन क्रिएट या रीयूजेबल सीडीज, ऐसी सीडी रोम में जो उसको हम दोबारा भी रीयूज कर सकते हैं। कैन नॉट बी रीड इन ऑल सीडी प्लेयर्स, इनको तमाम सीडी प्लेयर्स में नहीं रीड किया जा सकता। कैन रीयूज अबाउट 100 times, तमाम सीडीज में बेहतर है, लेकिन इसका मसला ये है कि बाकी सीडी रोम्स में इसको रीड नहीं किया जा सकता। फोटो सीडी ऐसी हैं जो डेवलप बाय कोडेक है। कोडेक एक बहुत अच्छी कंपनी थी जो आपकी स्टोरेज इमेज स्टोरेज के लिए एक रील्स बनाती थी। प्रोवाइड फॉर फोटो स्टोरेज फोटो एडिट टू सीडी अंटिल फुल ओरिजिनल पिक्चर्स कैन नॉट बी चेंज्ड। वीडियो टेबल सेवरल डिफरेंट फॉर्मेट्स एग्जिस्ट नॉन आर स्टैंडर्डाइज्ड अलाउ होम यूजर टू क्रिएट डीवीडी। जैसा सीडी रिकॉर्डेबल था इसी तरह डीवीडी रिकॉर्डेबल भी है, कैन नॉट बी रीड इन ऑल प्लेयर्स। इंशाल्लाह ये डीवीडी रोम से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे कि इससे आगे हम पार्ट 3 में इसको देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।